गाइस देख सकते हो अभी पतझड़ चल रही है तो सूखा हुआ है बिल्कुल। हेलो गाइस, डे फर्स्ट रुको, गलत बोल दिया भैया। ना जाने के हैं यार, जाने रोहित में ताकत तो है भाई। एक मिनट का फिर से रुक जाओ। सेकंड राउंड। अरे स्टार्ट भाई, मान तो बहुत बुरा फैक्ट मारा भी सैन को, सैन को बहुत बुरा फैक्ट मारा। गिरा दिया। भाई हारने के बाद आपके रोहित के साथ ये ना भी अभी है। तो गाइस अभी आज है डे 7 शूट का और लास्ट 2 दिन ही शूट हुआ था, अभी कोई भी शूट नहीं हुआ था। और ये हमारे कंते साहब खड़े हैं, इनके हमने एक चोट बनाई है, दिखा सकता हूँ आपको। दिखाई और दुखती भी है चोट, ये हमने चोट बनाई है। तो ये आर्टिफिशियल है सब कुछ आर्टिफिशियल है, सब आर्टिफिशियल है, सब रियल है। इसी वजह से शूट डिले हुआ था कि सलमान भाई का चोट लग गई थी। चोट इतनी रियल बना दी है कि दुखती है। ये हमारे अन्ना पोड़ा लोड़ा अन्ना पे जो गन्ने फिरेगा, अन्ने गन्ने नन्ने। तो गाइस जब हबीबी का जो नाम है इस वीडियो में उसमें कुछ नन्ने भी प्रयोग किया गया है, पूरी टीम का नाम नन्ने रख दिया गया है। रियान भाई को तकलीफ होती थी, अकेले को कहते थे। और ये टूटे फैटे लोग हमारे शूट पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं भाई। टूट फाट के हैं क्यों आ जाते हो आप? ये आ जाते हैं दिखाना है। इस टूट को दिखाते हो तुम अंदर के, दिखा दे पब्लिक दहशत में आ जाएगी। लफैक बस तुम्हारी जो भी कुछ निकाल तेरे पास। अयो ये सब पीतल सोना ओनली, बस ये अभी भी निकाल। अयो चीज थी और आगे का मैं जा रही हूं, मैं जाता। तो गाइज एक बार हम फिर आ चुके हैं उन्हीं जंगलों में जहाँ पहले आए थे। कहाँ आए थे सलमान भाई? हम रामनगर के जंगलों में, जिम कॉर्बेट का टॉप को। इधर गाइज देख सकते हो अभी पतझड़ चल रही है तो सूखा हुआ है बिल्कुल। ये बहुत ही खतरनाक रास्ते हैं। तो यहाँ बच्चों का स्कूल, ये भी बच्चे पढ़ाई चलती है इनकी, यहाँ पर लगा जेल में बंद कर रखे हो। गाइस कोई कह देगा कि ये सफेद गाड़ी है, ऐसी ऐसी तैसी लगी है इस रोड पे कि क्या ही बताएं, धूल। फाइनली लेकिन हम आ चुके हैं लोकेशन पर और अभी इधर बंदे कॉस्ट्यूम ले रहे हैं। तो गाइस एक बंदा हमारा हो चुका है रेडी, ये वुल्वरीन, और इसके लिए तैयारियां चल रही हैं और अभी हम सीन करेंगे, उसके बाद मैं रेडी होऊंगा और सलमान भाई, सयान भाई, लक्की, ये इनका तो हो चुका है मतलब सब कुछ रेडी और मैं रेडी होऊंगा कुछ देर में, आपको तब दिखाऊंगा।
आसमाना जा रही आसमाना। सो फाइनली गाइज मैं भी रेडी, मोनिक भाई भी रेडी और सलमान भाई भी रेडी और ये आटू झाटू भी रेडी, सयान भाई भी रेडी और सब लक्की भी रेडी है और ये भी रेडी और ये परवेश खा रेडी। अरे मैं कहूँगा तो गाइज अभी हम जा रहे हैं इधर जंगल में सीन करने और ये हमारे चचा आए थे कुछ कपड़े वपड़े। कैसे 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 सो गाइस आ चुके हैं हम नेक्स्ट लोकेशन पर और देख सकते हो आप ये है लोकेशन। घर तो ऐसे हैं लेकिन इसमें यहाँ पे सोलर से काम चलता है, लाइट नहीं है। इधर कारों में बैठने वालों की हालत देख सकते हो आप गाइस। अपने ही सूट पर ऐसा लगता है कभी कभी कि हम बहुत बड़े नौकर हैं, कभी रिफ्लेक्टर भी पकड़ना पड़ जाता है, कभी सामान भी उठाना पड़ जाता है। और आप हाल तो देख ही सकते हो कैसा हाल हो रहा है इस टाइम। कोरबेट के जंगल में है भाई साहब, लेकर जाना पड़ रहा है कोरबेट के जंगल में भाई साहब। अनस भाई बहुत मेहनत करते हैं, अनस भाई पैदल चलते हुए नन्हे भाई के साथ। ना सही लगे देख सकते हो पैरों में चप्पल नहीं है इस आदमी के, बेचारा मेहनत कर रहा है, अकेले ही संभाल पड़ रहा है सारा काम। कोई दिक्कत नहीं, हमारे भाई भी कुछ हैं, कुछ लोग गाड़ी से चले गए हैं, दो गाड़ियां हैं उसमें सामान की वजह से और बंदों की वजह से हम नहीं बैठ पाए, तो कोई इशू नहीं है गाइस, कोई नहीं है, इट्स ओके। हमें रोटी टाइम पे मिलने मिले, हमारे साथ वाले को मिलनी चाहिए, ठीक है। सो गाइस आज डे टू है इधर रामनगर का, डे टू रामनगर का और मैं दिखाता हूँ आपको ये चल रहा है मेकअप कर लो भसेंडी का। सब दादी दाद दिख रहे हैं। तो गाइज वैसे तो हमें डे सेवन है टोटल लेकिन रामनगर का डे टू है, नहीं डे सेवन है, डे फाइव है आज, डे सेवन बता रहा, डे फाइव है भाई, मैं तीन दिन वहाँ। हाँ तो ऐसा हो सकता है, ये देखो ये लगी है, ये लगी है चोट, तो व्लॉग में बस चोट चोट दिखा रहे हैं। कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, मैं इतनी खूबसूरत हूं बाजूर। मैंने चांद की 10 तारीख को तेरी शादी तय कर दी है। मेरी शादी पागल हो गए क्या, मुझसे पूछा भी नहीं तुमने, कहाँ कर दिया मेरा रिश्ता दक्षिण वाले वुल्वरिन्स के साथ। अरे मैया उनमें क्यों कर दिया, तुम्हें पता है चार भैया एक बहू से काम उठाते हैं वो। सो गाइस ये वाला हमने सीन दे दिया है, अभी हम फिर से नेक्स्ट लोकेशन पर जा रहे हैं। इधर थोड़ा घर के पास में एक सीन लेना है, वहाँ जाएंगे उसके बाद वो सीन निपटाएंगे। और गाइस गर्मी बहुत है इधर, कितनी वुल्वरिन्स। अब हम जा रहे हैं अपनी सेकंड लोकेशन पर, पता नहीं कितनी दूर और चलना है अभी, गांव फट के भैया चलते चलते। ये अनस भैया और ये पीछे है पोलू अपना। हेलो गाइस मैं आपकी अपनी पतवाना खल्लो और ये मेरे अब्बा सगे अब्बा डबोरी तुम्हारे पति पति ये रहे बॉयफ्रेंड। क्या हुआ मैं चलो क्या करना बताऊं है बताओ, मुझसे कोई खूबसूरत है हैं, मेरी मेरी इसमें कोई गलती है या मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं इतनी खूबसूरत बना दी गई हूँ। ये जो है ना एक्चुअली खांचा टूट गया है बनाने का मेरे को, हाँ इसमें का फ्रेम टूट चुका है, ऐसे आपको कभी मिलेंगे नहीं देखने के लिए। हाँ ये हम संडे के दिन बनाए जाती हैं ऐसे लोग, फुर्सत से बनाता है हमको अल्लाह मियाँ। कोई भाई है कोई? हाँ बता क्या क्या तो गाइस शूट चल रहा है यहाँ पे, अनस भाई भागते भागते थक चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। भागने की ऐसी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, भागने को मैं 20 किलोमीटर और भाग लूँ। पानी ले आओ जाके, पानी लेकर आओ आप, मैं आपको दिखा दूँ ये जो पैरों पर निशान है, इस कदर इतने मोटे गिंदोड़े हैं आपको मैं दिखा देता हूँ उठा करके। ये है जैसे कि ये नंगे पैर भगवा रहे हैं, ये गिंदोड़ा है, इस पर हमारा पैर रखा जाता है हमारा भूत बन जाता है ये समझ लीजिए। सो गाइस अभी ये दोनों भाई जा रहे हैं, एक भाई ये कह रहा है कि मैं ऐसा करके पेड़ में फंसूंगा और ऊपर को चढ़कर चला जाऊंगा, तो दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हो गाइस ये जैसे ये भाई कर रहे हैं, ये देखो पेड़ कितना ऊंचा है, ऐसे ही सयान भाई करने को कह रहे हैं, देखते हैं भाई इतना ही बहुत है भाई, बहुत हो गया
आ जाओ, ये देखो अब शहजान भाई भी करेंगे। क्या क्या कहना चाहता है भाई? मैं चढ़ूंगा, देखता हूँ कोशिश करके। भैंस की एक एक भैंस की शर्त हो गई है। ये शहजान भाई चढ़ते हुए ये 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 फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए ना ना हो पा रही काम ना बन पा रही ना बन पा रही काम काम बन नहीं पा रही। ये देख सकते हो इतना ही चले फिर आ जाओ भैया आ जाओ सूट का। देखो ना मास्टरा हिफा, आज के बाद हमारे जंगल में कोई नजर नहीं आना चाहिए। अगर हमारे जंगल में कोई इंसान दिखे तो उसे काट दो, फाड़ दो, मार दो, मुझे कोई मतलब नहीं। फाइनली गाइस एक बार दूसरे जंगल में। सो आपको मैं दिखाता हूँ ये सब आ गए। तुम इतनी कीमती चीज खड़ा रहे लगती बात में।